बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जहां विवाह में नाबालिग लड़कों और महिलाओं का खुद से वरमाला पहनाने का वीडियो कुछ दिन पहले जमकर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने 3 सदस्य जांच टीम गठित की थी, जहां CDO ने अपात्र शामिल होने का मामला रिपोर्ट है। जांच में अपात्रों का खुलासा हुआ। अपात्रों और सत्यापन अधिकारियों पर हो रही रिकवरी और FIR की कार्रवाई, सभी जोड़ों को सही जांच के लिए CDO ने 20 सदस्य टीम फिर से गठित की, वहीं जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया। सामूहिक विवाह में जो भी अनियमितता की गई है उसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में रविंद्र कुमार जिलाधिकारी बलिया और ओजस्वी राज CDO मुख्य विकास अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, 26 जनवरी को ये मनिहर ब्लॉक में सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग 468 जोड़ों ने अपना शादी उनकी वहाँ पर हुई थी। इसमें 4 ब्लॉक्स के जोड़े सम्मिलित थे। उसके बाद अगले दिन से एक न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ चलना स्टार्ट हुई कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, और ये आरोपित किया गया कि इसमें कई वैवाहिक जोड़े थे या फिर कुछ और इश्यूज़ थे, तो उसके चक्कर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल उस खबर का संज्ञान लेकर हमने 3 मेंबर की कमेटी एक नामित करी, और अगले ही दिन वो कमेटी घर घर जाके उसका सत्यापन करने लगी। उन्होंने कल रिपोर्ट भी एक सबमिट करी है, जितना उन्होंने सत्यापन किया है कल के दिन में। आज फिर हमने उसकी जांच की गति बढ़ाने के लिए हमने जिला स्तरीय करीबन 20 अधिकारियों को प्रति 100% जितने भी आवेदक थे उनका स्थलीय सत्यापन करके घर घर जाके सत्यापन करने के लिए आदेशित किया है। आज शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। किस तरह का मामला है सर? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो अभी कुछ दिन पूर्व मनिहर में संपादित हुआ था, उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें जांच टीम गठित कर दी गई है, और जांच टीम के द्वारा यदि अनियमितता पाई जाएगी तो इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक।